भीड़ होगी, चलिए दर्शन करने चलते हैं। मैया रानी का मंदिर कितना अच्छा आ रहा है यहाँ। स्लीपर होता है, हाँ गर्मी भी लगेगी। चलो प्रसाद ले लो, चलो सुंदर लग रहा है, वो बराबर ही है। दो दो सब में ही है, सेम ही है, बस ये प्लेट ऊपर हो जाएगा। हाँ ये ठीक है, चलिए क्रॉस करते हैं। माता रानी की जय। ले लिए हम लोग, कितनी सुंदर दुकानें लग रही हैं। उतार दिया जो ऊपर है यहाँ पे, ये है भैरव बाबा का, यहाँ चलेंगे हम लोग अभी दर्शन करने के बाद। आज भीड़ ठीक ठाक है यार, नाइट में आओ तो ये सब चल रहे होते हैं, लाइटिंग वगैरह होती है बढ़िया बढ़िया। हमने कहा नाइट में आओ ना तो ये फुब्बारा जो है ना वो सब चल रहा होता है। धूप बहुत तेज है और भीड़ बहुत ज्यादा है। हम लोग आ गए हैं मैया रानी के करीब पास में। बोलो जय माता दी, मुंडी नहीं दिखाने का। हाँ सब सबका उद्धार होना चाहिए, सबका मिट्टी या बीच में बाइक रख दिए। नहीं अच्छा, ये कितना सुंदर बन गया है यार शंख, कितना क्यूट लग रहा है, ब्यूटीफुल। चल ये प्रभु बर्फ है, ये बर्फ क्यों रखी हुई है यहाँ पे? भंडारा होगा शीतल जल का। कितनी जोर है, अब समझ में नहीं आ रहा है इतनी लंबी लाइन में खड़े होके कैसे होगा। चलो माता रानी ने बुलाया था, दर्शन तो देंगी, चलते हैं। जय माता दी, मैया रानी दर्शन दो। ओए पैर स्लिप हो रहा है हल्का हल्का, बहुत नहीं बहुत ज्यादा, दो तीन लाइनें लगी हुई हैं। सामने से भी लगी होगी लाइन। मैया रानी की जय हो। भीड़ देखो सुमार नहीं है आज भीड़ में है। भाई ये तो दुआ लग रहा है, मम्मी जल्दी। जय माता दी, जय हो, जय हो। हवन हुआ है यहाँ पे, माता रानी के भवन में तभी आनंद आता है दर्शन करने में, थोड़े एफर्ट उठाओ।
दर्शन हुए हैं, भीड़ का तो कोई जवाब ही नहीं है। 2-3 घंटे हम लोग लगे रहे तब जाके दर्शन मिले। अब भैरव बाबा के जा रहे हैं चढ़ने के लिए, क्योंकि कहते हैं ना माता रानी का जब तक दर्शन पूरे नहीं होते तब तक भैरव बाबा के दर्शन। हाँ ये देखो झंडा निकलता है, जैसे कोई विशेष मांगता है वो पूरी हो जाती है, तो मैया रानी को झंडा चढ़ाया जाता है। इसके अंदर वो जा रहे हैं जवारे बो के। वाओ, अब हम लोग बाहर जा रहे हैं। बहुत सुंदर दिव्य दर्शन माता रानी ने दिए सच में। और यहाँ कितनी सारी दुकानें लगी हुई हैं, कुछ भी आप ले सकते हो अपने लिए, अपने ठाकुर जी के लिए खा पी सकते हो, हर चीज़ की व्यवस्था है।